दूध में जो हमारे जो ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारा सत्रीठा आयुर्वेदिक शैम्पू है जो कि इस सेक्शन में बनता है। इसके बनाने का थोड़ा सा आयुर्वेदिक तरीका यूज़ किया है हम लोगों ने इसमें, तो जिसमें हम पहले रीठा का, नीम का, मेथी आदि जड़ी बूटियों का जो है क्वाथ बनाते हैं जो कि इधर सेक्शन में बनता है। उस क्वाथ को जो है फिर आगे पंप द्वारा जो है मिक्सिंग वेसल्स में जो है पंप किया जाता है, जिसमें और विभिन्न तरीके की चीज़ें ऐड करी जाती हैं। उसके बाद वो आगे प्रोडक्शन लाइन में जाता है जहाँ से वो पैकिंग होता है। तो ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है और जिसमें हमने समय को देखते हुए जो सबसे अच्छा आयुर्वेदिक सल्यूशन मिल सके वो यूज़ करने की कोशिश करी है। ये सत्रीठा जो हमारा आयुर्वेदिक शैम्पू है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ पे ये पकाने का काम जो है वो आशीष जी द्वारा देखा जाता है। तो ये आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे जो है माल का प्रोडक्शन होता है, क्वाथ वगैरह कैसे बनता है। ये हमारा जो है यहाँ पे आयुर्वेदिक सदरीठा का जो है एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, और इसमें जो जड़ी बूटी डाली जाती है मेथी, सीका काई, रीठा, आंवला, बहेड़ा, ये सारी जड़ी बूटियाँ इसमें डाल करके जो कुट करके और इसको जो है पकाया जाता है। जब पक करके काढ़ा हमारा तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो है इसको पाइप से नीचे उतार के आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहाँ पे लाट हमारी तैयार होती है सतरीठा की वहाँ पे भेजा जाता है। जैसे आपने पहले देखा कि अब ये दूसरे सेक्शन में आ गए, यहाँ पे जब जो क्वाथ है हमारा वो पंप होके इन कंटेनर्स मिक्सिंग वेसल्स में आता है। यहाँ पे इसके साथ हम प्रिजर्वेटिव हो गया और जो एडिटिव्स हो गए वो मिक्स वगैरह करे जाते हैं। एक्सट्रैक्ट में कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो ऑयल पार्ट होता है वो डाला जाता है यहाँ पे, और फिर करीब 3 घंटे मिक्स होने के बाद जो है ये हम स्टोरेज टैंकों में लेके फिर आगे मशीन में ले जाते हैं जहाँ पे ये आखिरी में पैक किया जाता है। ये सतरीखा बनाने का थर्ड पार्ट है जिसमें हमारी प्रोडक्ट बन के आ गया है। अब इसकी फिलिंग हो रही है, ये पाइपों द्वारा जो है मशीन में आता है और यहाँ पे मशीन में जो है फिलिंग होती है, जो कि जो है देखेंगे जैसा आप कि जो है मशीन चल रही है और इसमें जो है अपने आप कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो है वो मटेरियल का जो है वो बॉटल में डाल दिया जाता है। ये पर्टिकुलर बॉटल जो है वो 150 ml की है, इसमें 150 ml हमारा शैम्पू आता है, सत्रीठा शैम्पू। बॉटल भरने के बाद जो है वो आगे आती है यहाँ पे बॉटलों में कैप वगैरह लगती है। उसके बाद ये इंडक्शन सीलर है जो बॉटलों को सील कर देता है कि उसमें कोई भी हवा या और कोई कंटेमिनेशन बॉटल में आगे ना हो, और जो प्रोडक्ट है हमारा बिना किसी हाथ के छुए बिना जो है वो माल जो है वहाँ से यहाँ तक आ जाता है और भर के इवेंचुअली बॉटल के अंदर पैक हो जाता है। इसमें हम कम से कम हाथ लगता है, तो कहीं ऐसा नहीं होता है कि जो है माल छुआ जा रहा है या गंदा हो माल। उसके बाद यहाँ से आखिरी बार इनको बॉटलों को एक बार और पोंछ के जो है फिर हम आगे पैकिंग के लिए लेते हैं। यहाँ पे पैकिंग होती है, इसमें श्रिंक स्लीव चढ़ा दी जाती है बॉटल के ऊपर। उसके बाद जो है ये आगे हीट श्रिंक टनल से गुजरता है तो ये श्रिंक हो जाता है, बॉटल के शेप में जो है ये श्रिंक आ जाता है। अभी आगे आपको दिखाएंगे। बॉटल में जो जब श्रिंक रैप डाल दिया जाता है तो उसके बाद ये श्रिंक टनल में आता है, ये गर्म करके बॉटल को उसी शेप में रहने देता है, स्लीव जो है श्रिंक हो जाती है। जैसे ये देखेंगे तो ये श्रिंक जो है जो ढीली थी पहले वो उसी शेप की हो गई है, और ये हीटर लगे रहते हैं इसके अंदर, उसके द्वारा जो है ये हीट दे के इसको उसी शेप में कर देते हैं। हीटर और ब्लोअर का सेट रहता है इसके अंदर, और उसके बाद फाइनली जो है प्रोडक्ट जो है क्वालिटी चेक के बाद जो है वो कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है और सेल के लिए रेडी है ये।